ये अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के चमचे उसी रास्ते पर चलते हुए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था हिस्ट्री बनाने के लिए हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है, जब हिस्ट्री नहीं रहेंगी तो हम हिस्ट्री कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। अम्बेडकर विरोधी बीजेपी सरकार सरकार में हमारे लोग बैठे एससी एसटी के ओबीसी के एमएलए बैठे, उनको भी बोल रहे आप थोड़ा जागर हो जाओ, जनता को भी जागर कराओ, आप वो ब्राह्मण के पीछे मत भागो, जनता के पीछे भागो, आगे आपको कुर्सी मिलता है। अरे स्टेट के हरे हर जगह पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो उन्होंने इसको अनदेखा ही कर रहे हैं, आज अगर इन्होंने ऐसे अनदेखा करे तो पूरे बच्चों के माता पिता रोड पे उतार कर इसका विरोध करेंगे। ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಪರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಸಾಬ್ಸೆ ಚಲನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಹೇ, ಉನ್ಕೋ ಮಾನ್ಯ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಹೇ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕೆ ಚಾಹನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಹೇ, ಟಿಪ್ಪು ಕೆ ಚಾಹನೆ ವಾಲೆ ಲೋಕ ಹೇ, ಜಬ್ ತಕ್ ಹಮ್ ಲೋಕ್ ಜಿಂದಾ ಹೇ ಯೇ ಹೋನೆ ನಹೀ ದೇಂಗೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾ ಅಜೆಂಡಾ ಏಕ ಹೀ ಮುದ್ದಾ ಹೇ ಕಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೆ ನಾಮ ಪೆ ವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಸಂ ಕರ್ ರಹೇ. आरएसएस के लोग जो कि रॉयल सीक्रेट सर्विस था, आज बदल के राष्ट्रीय स्वयं सेवक हुआ है, ये अंग्रेजों के दलाल, अंग्रेजों के चमचे उसी रास्ते पर चलते हुए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं। जबकि मोहन भागवत कहता है कि हमारा इतिहास नहीं है, हम चाहकर भी इतिहास को बदल नहीं सकते, ये वही चाहते हैं जिस वक्त में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस वक्त में इनका कोई योगदान नहीं था, बल्कि आने वाली नस्लों को अपना योगदान बताने के लिए, फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये हिस्ट्री में, ये एजुकेशन सिस्टम में उनका नाम डाल रहे हैं। ये सख्त सख्त कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और सच्चाई के, इंसानियत के खिलाफ है। ये सीधी सीधी चाल आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन को सैफ्रनाइज करने का काम चल रहा है, जिसको हम होने नहीं देंगे। ये इनके बुक्स में जो आरएसएस का पहला चीफ था गोडवालकर चोर जो था, उसने अपने बुक्स में कहा है कि अगर आपको सत्ता में रहना है, अगर सत्ता चलाना है, तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना ज़रूरी है और अपने चार पांच लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत करना ज़रूरी है। और वैसे ही ये सरकार कर रही है, अदानी अंबानी को लेकर के चल रही है, एजुकेशन में सैफ्रनाइजेशन कर रही है। इससे पहले भी पॉलिसीज आई जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भी सैफ्रनाइजेशन करने की कोशिश की गई। आज छोटे छोटे बच्चों के पुस्तकों में, छोटे छोटे बच्चों के किताबों में सैफ्रनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। ये देश को खतरे में डालने का काम है, देश को बर्बाद करने का काम है। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, महात्मा गांधी के चाहने वाले लोग हैं, टीपू के चाहने वाले लोग हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं ये होने नहीं देंगे। ये आज का तो बस एक नमूना है। अगर डिवीजन में बुक्स को नहीं रोका गया, जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है उसको नहीं रोका गया, तो इंशाल्लाह इसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन होगा, गुलबर्गा बंद होगा, डिवीजन बंद होगा। ये जो बीसी नागेश साहब हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि उनका दिमाग बौखला गया है। ज़्यादा नॉलेज खतरा होता है, वैसे बीसी नागेश जो है ये आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ पढ़ कर के पागल हो चुके हैं। ये बौखला गए हैं, बौखलाहट में लिए गए फैसले इसका नतीजा है कि आज स्टूडेंट को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। मैं पेरेंट्स से आग्रह करता हूँ, आपके बच्चों के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के लिए आपको सड़कों पर उतरना पड़े। आज एजुकेशन सिस्टम में ये सैफ्रनाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन अच्छा है करके बोल रहे हैं। बाबा आपके घर से तो कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दे नहीं रहे। अरे अगर कोई डिग्री करता है तो तकलीफ होती है, कोई पीएचडी करता है तो तकलीफ होती है, खुद तो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। खुद अगर पढ़े लिखे होते तो उनको एजुकेशन का महत्व समझ में आता और उनको ये समझ में आता कि जनहित के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। ये देश सौहार्द का केंद्र है, ओएमपो का नाड़ है, बसवण्णा का नाड़ है, बाबा साहब का नाड़ है, ज्योतिबा फुले का नाड़ है। यहाँ अभी हम अमन चैन, सभी धर्म के अमन चैन से हम जी रहे, मगर बीजेपी का एजेंडा एक ही मुद्दा है कि हिंदू धर्म के नाम पर वो ब्राह्मणिज्म कर रहे।
हम जनता को भी मनवर कर रहे हैं और सरकार को भी, जो सरकार में हमारे लोग बैठे एससी एसटी के ओबीसी के एमएलए बैठे उनको भी बोल रहे हैं, आप थोड़ा जागरूक हो जाओ, जनता को भी जागरूक कराओ, आप ब्राह्मण के पीछे मत भागो, जनता के पीछे भागो, आगे आपको कुर्सी मिलता है। ये जो शिक्षण में आप पाठ्यक्रम जो वापस ब्राह्मण की निजी नीति ला रहे, इसके खिलाफ आप भी आवाज़ उठिए सदन में, बोल के हम आग्रह कर रहे हैं। हम यहाँ पे आज शांति की एक 10-15 ऑर्गेनाइजेशन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये पट्टे पुस्तक वापस नहीं जाएंगे तो गुलबर्गा बंद करेंगे, डिवीजन बंद करेंगे, हो सके तो क्या प्रोटेस्ट है वो कानून के हिसाब से करेंगे। बजरंग के दड़ा वो आग लगाना, किसी को तो आग लगाने लगाना, ऐसा हमारा नहीं है। हम जो बाबा साहब के संविधान के हिसाब से हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम जीतेंगे। आप लोग हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हर एक नई हिस्ट्री बनाएंगे हम पूरे यूथ मिलकर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था हिस्ट्री बनाने के लिए हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। जब हिस्ट्री ही नहीं रहेंगी तो हम हिस्ट्री कैसे बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारी नस्लों को हिस्ट्री की ज़रूरत है। हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, बसवन्ना है और डॉक्टर विवेकानंद है, हमारे टीपू सुल्तान है, ऐसे लोगों की जो फ्रीडम फाइटर थे, वैसे लोगों की हमको नस्लों को पढ़ाना है, हमारे औलादों को पढ़ाना है, आज़ादी कैसे मिली थी उनको बताना है। ये जो बुजदिल सभाकार है उसकी हिस्ट्री लाकर हमारे बच्चों को गुंडागर्दी सिखाना नहीं है हमको। हमको ये सरकार जो बनाकर जो टेक्स्ट बुक में डाल कर दे रही है, इसको जल्द से जल्द हटाना होगा, वरना हम आए दिन रोड़ों पे उतरेंगे। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने इतने पढ़े लिखे हैं, शायद उनका दिमाग गोबर चरने चला गया होगा। अरे आप लोग सोचो समझो क्या हो रहा है। आज पूरे देश भर में दंगे फसाद हो रहे हैं, क्यों? आप पढ़ लिख कर भी अनपढ़ जाहिल काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी तो पढ़े लिखे नहीं मालूम, 4 साल तक आर्मी लोगों को उनका फ्यूचर बर्बाद करके बाद में पकड़ो तो लोगों ने लगा रहे हो ना, वही पकड़े तलते बैठेंगे हम लोग पढ़ लिख कर। नम हिरीयर अंदरे समानतेगोस्कर होराट माड़िदंतवरु, जातीयतेगोस्कर होराट माड़िदंतवरु, ಮೌಢ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಜೆಂಡಾ ಸಂಚು ಮೂಡಿಸಿ ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸಮಾನತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೊದಲಿನ ಥರ ಏನು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ನೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಗೀತೆಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕುವೆಂಪು ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಇವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೋಮರಂಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ತವೆ ಅಂತ. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಕೈ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ನಾಲ್ಕನ ಮಗನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಳವಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಹೀದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮನುಸ್ಮೃತಿನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು, ಮೊದಲಿನ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಾಂತಿಗೆ ಅವಮಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕು, ಈ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಹಿಡಿಯೋ ಕೈನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕು, ಹಿಡಿಯೋ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋ ನಯಾ ಜೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಚ್ಚೋಂಕು ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ ಜೋ ಲಾಯಾ ಗಯಾ ಹೇ ಉಸ್ಮೇ ಯಹಾ ಕೆ ವಚನಕಾರ ಕಾ ಔರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹಬ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಬಸವಣ್ಣ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಟಿಪ್ಪು ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಔರ್ ಕುವೆಂಪು ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಯಹಾ ಜಾ ಸುರ್ಪುರ್ ಕೆ ದೊರೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕೈ ಮಹಾಪುರುಷೋ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಜೋ ಝೂಟೆ ಲಿಖಾ ಕರ್ ವಹಾ ಕಾ ಉನ್ಕೋ ಅಪಮಾನ ಕಿಯಾ ಹೇ ಜೋ ಆಜ ಜೋ ನಯಾ ಬುಕ್ಸ್ ಆಯೇ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ಓ ನಯಾ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಕರ್ನಾ ಜೋ ಪುರಾನೆ ಜೋ ಬರ್ಗೂರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾ ಜೋ ಕಮಿಟಿ ಕಾ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇ ವಹೀ ಬುಕ್ ಜೋ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ನಾ ಬೋಲ್ಕರ್ ಹಮಾರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೋ ನಾಲ್ಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೋ ರೋಹಿತ್ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಿ ಜೋ ಕಮಿಟಿ ಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇ ಉನ್ ಜೋ ಕರೆ ಸೊ ಸಹಿ ಹೇ ಬೋಲ್ಕರ್ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಜೋ ಆಜ ಬೋಲ್ ರೇ ಓ ಗಲತ್ ಹೇ ಕ್ಯೂಂಕಿ 80 से 100 ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ ಜೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಇಸ್ ಬುಕ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ವಿರೋಧ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಲೆಟರ್ ದಿಯಾ ಹೇ ಜೋ ಐಸೆ ಬುಕ್ ಜೋ ಆಜ ಸ್ಕೂಲೋ ಮೇ ಬಾಟಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೇ ಜೋ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೋ ಕೇಸರೀಕರಣ ಜೋ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಜೋ ಉನ್ಕೆ ಅಜೆಂಡಾ ಹೇ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಅಜೆಂಡಾ ಔರ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾ ಅಜೆಂಡಾ ಆಜ ಇನ್ನೊನ್ನೆ ಈ ಬುಕ್ ಕೆ ಅಂದರ್ ಐಸೆ ದಾಲ್ ಕೆ ಬಚ್ಚೋ ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ ಜೋ ಮತಾಂತ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಕೇಸರೀ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಜೋ ಪಡ್ನೆ ಕಿ ಜೋ ಕೋಶಿಶ್ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಕಿಯಾ ಹೇ ಯೇ ಸರೇ ಸ ಪೂರಾ ಗಲತ್ ಹೇ ಆಜ ಹಮ್ನೆ ಪೂರೇ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇಸ್ಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇ ಜೋ ಜೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅಬ್ ಯಹಿ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೇ ಜೋ ಬುಕ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಲೇನಾ ಬೋಲ್ಕರ್ ಜೋ ಪುರಾನಾ ಬುಕ್ ಹೇ ವಹಿ ಬಚ್ಚೋ ಕೋ ಪಡ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಬೋಲ್ಕರ್ ಹಮ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ ರಹೇ ಹೇ.